बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हुआ है अफगानिस्तान के साथ। मेरे ख्याल से आज के दिन में अफगानिस्तान 30 साल पीछे चला गया। अफगानिस्तान तरक्की पे जा रहा था, अफगानिस्तान बनाने पे जा रहा था, बहुत गलत हो रहा है। मजबूरिया तो सारा मजबूरिया आज के दिन लोग तैयारे पे लटका करके देश छोड़ रहा है ना। कल रात के दिन में 30 साल पहले चला गया। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो हो रहा है उसका कितना असर पड़ रहा है अफगानी नागरिकों पर? लेकिन इस बीच जो लोग भारत आ गए, बरसों पहले भारत रहने आ गए, वो अब अफगान के हालात देख रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहते हैं? मेरे साथ इस वक्त अकबर खान है, पटना के जमाल रोड में रहते हैं। और अकबर खान साहब, आप कितने दिनों से भारत में रहते हैं? लोग तो बहुत शुरू से यहाँ से रहता है सब, हम लोग मतलब इसी मकान में 55 साल से रहता है। तो ऐसा है ना कि हम लोग जो हालात देख रहा है, जो टेलीविज़न नीट ये सब पे देखता है, तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हुआ है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान तरक्की पे जा रहा था, अफगानिस्तान बनाने पे जा रहा था, अफगानिस्तान मतलब ये कर रहा था, पढ़ाई जा रहा था, स्कूल कॉलेज ये सब। मेरे ख्याल से आज के दिन में अफगानिस्तान 30 साल पीछे चला गया। हाँ, याद हो किस साल आपने जो है वो अफगानिस्तान छोड़ा था, और क्या मजबूरियां थी, अपनी मर्जी से आ गए थे? मजबूरियां तो सारा मजबूरियां आज के दिन में आप नहीं देख रहा है, एयरपोर्ट पे लोग तैयारे पे लटका करके देश छोड़ रहा है ना। उस वक्त भी वैसे हालात है, फिर भी वैसे हालात आ गया कि अफगानिस्तान बहुत खराबी की तरफ जा रहा है, बहुत गलत जा रहा है, गलत बहुत गलत हो रहा है। जो अशरफ गनी देश छोड़ करके गया है, वो एक देश बनाने वाला आदमी था, वो एक देश में मतलब ऐसा आदमी था कि देश में आबादी ला सकता था, देश में मतलब समझ लो कि देश बना सकता था। अब देश मतलब पीछे जा रहा है, अब आज तक बन रहा था लेकिन आज के बाद मेरे ख्याल से पीछे जा रहा है। जितना 20 साल पहले का, 25 साल पहले के लिए वो लोग अफगानिस्तान पहुंच गया, अब धीरे धीरे गिरने जाएगा, ख़त्म होते जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इन सब में आपको अमेरिका का क्या रोल लग रहा है? खेल तो सब वो लोग का है, खेल तो सब उसी का है, सबका है, तो सब अमेरिका पाकिस्तान ये सब का। पिछले 30 साल से आपने बताया कि आप भारत में हैं, तो 30 साल आपका कैसा गुजरा, और उससे पिछले सालों से? बच्चा था उस समय तो इतना ही याद नहीं था, लेकिन फिर भी क्या 55 साल से हम लोग इसी मकान में रहता है, आपका जन्म भी इधर हुआ? हाँ, इधर सब हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग हालात देख रहा है, वो देश का हालात देख रहा है कि वो देश मतलब अभी हम, अब पहले भी बात बोल दिया, दो बार तीन बार एक बात बोलना ठीक नहीं है कि मतलब 30 साल पहले आज के दिन में 30 साल कल रात के दिन में 30 साल पहले चला गया, जब अशरफ गनी अफगानिस्तान से चला गया, अशरफ गनी देश छोड़ करके चला गया, वो देश सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या बचा है उसमें? आप देख रहे हैं एयरपोर्ट में लोग इधर उधर दौड़ रहा है, एयरपोर्ट में आदमी नहीं है, कोई काम करने वाला आदमी नहीं है, कोई स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, अफरा तफरी मचा हुआ, लोग मर रहा है ना, प्लेट के ऊपर टांग रहा है, ऊपर प्लेट से टांग करके गिर जाता है लोग, तो क्या महिलाओं पर अत्याचार, सब कुछ हो रहा है, सब गलत हो रहा है। लेकिन देखो, अल्लाह से दुआ कर दे कि सब ठीक कर दे, सब अल्लाह करता है, ऊपर वाला करता है, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ क्या करते हैं खान साहब? हम लोग यहाँ कपड़े का बिजनेस करता है। हाँ हाँ, कपड़े का बिजनेस कर लग रहा है पिछले 55 साल जब आप भारत में रहे, कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो इतना साल कैसा रहेगा? कोई किसी को अगर प्यार नहीं देगा, मोहब्बत नहीं देगा, कोई किसी के साथ 10 दिन भी नहीं रह सकता है ना। हाँ, बहुत लोग है, पूरा अफगानिस्तान का लोग, पूरा हिंदुस्तान में भरा हुआ, खाली यहाँ थोड़े हैं, यहाँ प्यार मिला है, मोहब्बत मिला है, ये लोग का हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का हजारों साल का दोस्ती है, अच्छा संबंध है, अच्छा आना जाना है, अच्छा आज तक कोई ऐसा ये नहीं हुआ कि अफगानिस्तान का लोग इंडिया से कोई नुकसान देखा है, नुकसान नहीं देखा है, फायदा किया है, दिया है, नुकसान नहीं दिया है, तो इसीलिए अच्छा महसूस करता है कि इंडिया का लोग बहुत प्यार से मोहब्बत से सब अफगानी और इंडियन लोग रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तालिबानी जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, और अब जो है वो राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया, वो तो जो आप देख रहे हैं वो तो हम भी देख रहे हैं ना, वो आप देख रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहा है, नेट पे देख रहा है, आप देख रहे हैं तो वो हमको भी देख रहे हो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ABP News
आपको रखे आगे।